तो गाइस आप लोगों को जिस चीज़ का वेट था वो डिसीज़न आ चुका है फाइनली। तो नेवी का जो कल जो कोर्ट केस था उसका डिसीज़न आया था, उस पर पहली सुनवाई हुई थी। तो उसमें क्या क्या खास बातें रहीं, तो क्या अब एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये थी कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता भी है तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। वो क्यों, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा ऑनलाइन होने के बाद भी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। हियरिंग से जुड़ी सारी जो खास बातें थी वो सारी चीज़ें इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, ऐसे ही अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन नाउ। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अनअकैडमी ने नेवी के लिए कंप्लीट कोर्स बैच कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपका जो मयंक चतुर्वेदी सर आपका मैथ्स पढ़ा रहे हैं, दीक्षा वशिष्ठ मैम आपकी इंग्लिश कवर कर रही हैं। तो इंडिया के टॉप लेवल के जो फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रही है अनअकैडमी इस बैच में, सो आपको नेवी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के नेक्स्ट टर्म की प्रिपरेशन ज़रूर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से बम्पर ऑफर भी दिया जा रहा है, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का जो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आपको SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाएगा। या इसके साथ साथ एनडीए के लिए भी बैचेस यहाँ पे रन किए जा रहे हैं, कमांडो 2.0 और कमांडो 2.0 बैच भी यहाँ पे रन किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पे अगर वाई ग्रुप एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वायु एयरफोर्स ग्रुप के लिए बैच लॉन्च किया गया है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लासेस एंड मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा तो हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पे आपको सिर्फ GM10 टाइप करना है, आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में एक नया बूस्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। फ्रेंड्स मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जरूर मयंक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट बातें थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपका जो वैकेंसी थी जो भी आई थी ऑफलाइन वैकेंसी के लिए, उस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि अभी वो वैकेंसी का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि जिनकी एज रिलैक्सेशन यानी कि जिनकी भी एज ज़्यादा हो जाएगी उनको भी मौका मिलेगा। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो जाती है तो भी आपको मौका मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट प्लस था आपके लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो था कि अब इसकी जो नेक्स्ट जो हियरिंग है यानी कि सुनवाई है वो आपकी जनवरी में रखी गई है। जनवरी में आपकी नेक्स्ट जो सुनवाई है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा और कब से होगा, ये भी उसी सुनवाई में ही क्लियर हो जाएगा। तो जनवरी तक का हमें वेट करना है, बट ये कन्फर्म हो गया है कि जिनकी भी एज ज़्यादा हो रही थी उनको भी मौका मिलेगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ये अब फुल चांसेस हो गए हैं। क्योंकि नेवी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ऑलरेडी बैच लेट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी डिसीजन करेंगे जल्दी ही, तो आपको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ किन बच्चों को यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा, ऐसा कि नेवी ने पहले भी बता रखा था और साथ में कल भी साफ हो गया। तो कल क्या हुआ कि बोला गया है कि जिन लोगों ने फॉर्म गलत भरे थे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि आप लोग गलत फॉर्म मत भरे, अभी डिटेल्स जो भर रहे थे वो गलत इन्फॉर्मेशन मत दे उसमें। तो जो भी बच्चे अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरे होंगे तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल भी सही सुना, जिन्होंने भी इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग भरी होगी तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि जो फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं के हिसाब से ही आपका एडमिट कार्ड आएगा और उन्हीं को मौका मिलेगा जिनकी इन्फॉर्मेशन सही थी। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि आप इन्फॉर्मेशन गलत मत भरें। तो आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।